शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते बिजली बिल को लेकर सामान्य जनता परेशान है। भाजपा की ओर से शहर में बढ़ते बिजली बिल को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। सोमवार को भी महिलाओं ने भारी संख्या में मूक आंदोलन किया है। बढ़ते बिजली बिल को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा की ओर से सोमवार को महिलाओं ने मिलकर ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के घर के सामने आंदोलन किया। बढ़ते बिजली के दामों को लेकर लगातार भाजपा की ओर से शहर में आंदोलन किए जा रहे हैं। शनिवार को भी एक मुका जन आंदोलन किया गया था, जिसके बाद आज सोमवार को भी भाजपा की ओर से मुख्य आंदोलन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि नितिन राउत के घर पर जो है ये प्रवीण दटके के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि कितनी तादाद में जो है भाजपा के कार्यकर्ता इस समय मौजूद है और ये आंदोलन जो है अधिक से अधिक तीव्र किया जा रहा है, मुख्य आंदोलन कहा जा रहा है। और नितिन राज्य के जो ऊर्जा मंत्री है नितिन राउत, इनके घर के सामने ये मुख्य आंदोलन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ते हाथ में भाजपा के झंडे लिए हुए और बढ़ते बिजली के दामों के बिलों के खिलाफ ये जो आंदोलन है भाजपा की ओर से लगातार राज्य में जारी है और शहर में भी जारी है। शनिवार के बाद आज ये मुख्य आंदोलन जो है ऊर्जा मंत्री को दिए जाओ, ऊर्जा मंत्री को जागने के लिए मुख्य आंदोलन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि बड़ी तादाद में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए भाजपा की ओर से यहाँ पे कार्यकर्ता जमा हुए हैं और ऊर्जा मंत्री को जगाने की कोशिश आंदोलन से की जा रही है। आप देख पा रहे हो कि कितनी लंबी कतार जो है यहाँ भाजपा कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए हैं और बड़ी तादाद में जो है बिजली का बिल जो है इसे रद्द करने और जो बड़े हुए बिजली के बिल आए हैं उसे रद्द करने की मांग को लेकर लगातार भाजपा की ओर से आंदोलन जारी है। और आज भी देख पा रहे हो कि बड़े तादाद में जो है भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ एकजुट होकर कोरोना के ऐसी परिस्थिति में भी ये जो जन आंदोलन यहाँ किया जा रहा है, आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और ये जन आंदोलन जो है सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे कोविड-19 के नियमों का पालन कर ये आंदोलन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो शहर में लगातार भाजपा की ओर से बढ़ते बिजली बिल को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। शनिवार के बाद सोमवार को भी भाजपा महिला संगठन द्वारा ऊर्जा मंत्री जागे भाग के बैनर लेकर मुख्य आंदोलन किया गया। बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर जो है आंदोलन भाजपा की ओर से लगातार किया जा रहा है। आज भी सोमवार को भी शहर में भाजपा का यह आंदोलन किया गया है। हम जानते हैं मिलिंद माने जी से कि क्या आज के जो आंदोलन किया जा रहा है, आपकी मांग क्या पूरी होगी, क्या लगता है? ये आंदोलन जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं पूरा नागपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र ये 3 महीने का बिजली बिल एक साथ में आने के कारण परेशान है। वैसे 3 महीने से ही लॉकडाउन था और लॉकडाउन के कार्यकाल के अंदर में सभी लोग जो है बेचारे गरीब भी लोग हैं, रोजगार पर नहीं जा सके और उनके पास में पैसे की कमी रही है और हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने वैसे ही का आह्वान किया था कि हम जो है कम से कम 300 यूनिट का इलेक्ट्रिक बिल जो है माफ़ करने वाले हैं। उन्होंने तो वो 300 यूनिट का इलेक्ट्रिक बिल माफ़ तो किया ही नहीं कि ये 3 महीने के लॉकडाउन के पीरियड का, लेकिन उन्होंने जो 3 महीने का एक साथ में बिल जो भेजा है इसके अंदर में ब्याज लगाकर भेजा है, अनाप शनाप बिल भेजा है, कैलकुलेटेड नहीं है। जो बहुत सारे लोगों ने अपने जो आंकड़े पहले दे दिए थे मोबाइल के ऊपर में वो भी बिल माइनस करके नहीं भेजा है, तो ऐसा अंधाधुंध पैसे की वसूली करने का कार्यक्रम महावितरण ने यहाँ पर चलाया हुआ है और ये सरासर अच्छा नहीं है और ये बहुत गलत बात है। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं एक बात अलग और करते हैं दूसरी बात अलग और उस कारण से जनता भी परेशान है और पूरे महाराष्ट्र के गरीब लोग खास करके इस पीरियड में परेशान है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि 300 यूनिट का जो बिजली बिल है वो माफ़ किया जाए, 3 कम से कम इंस्टॉलमेंट गिराकर ये बिजली बिल हमको भरने का मौका प्रदान करें और उसके ऊपर में जो ज़्यादा का टैक्सेशन ब्याज लगाया है
वो हमको माफ करे, इन मांगों को लेकर आज हमारा ये आंदोलन जो है चौथे स्टेप के अंदर में माननीय ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत इनके घर के सामने हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज ये महिला इकाई का आंदोलन है और संपूर्ण महिलाएं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की शहर से यहाँ पर आई है और आंदोलन यहाँ पर कर रही है। क्या लगता है आप ये आंदोलन के जरिए आप बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री जागे वहाँ, तो क्या लगता है सच में ऊर्जा मंत्री जो है निर्णय लेंगे इस बात पर? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो नुकसान उन्हीं का ही है। आगे की रणनीति क्या होगी? इससे और तेज आंदोलन हम करेंगे। हम तो जनता को यह एडवाइस किया है कि जब तक के हमारा जो आंदोलन चल रहा है और सरकार बरोबर ढंग से निर्णय नहीं लेती है, तब तक के आप बिजली बिल ना भरे। हम बिजली बिल नहीं भरने के लिए लोगों को आदेशित कर रहे हैं, तो इस कारण से सरकार को मानना पड़ेगा कि लोग यदि बिजली बिल नहीं भरेंगे तो फिर जो भी कुछ उनको आना है तो वो करेक्टेड बिल भेजकर वो हमारे से पैसा ले सकते हैं। उनको भी राहत मिलेगी, उनके भी कोष में पैसा आएगा और हमें भी ग्राहकों को राहत मिलेगी। ऊर्जा मंत्री को जागे भा करके आज ये आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी पता नहीं कि राज्य सरकार आगे क्या फैसला लेती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस समय उप महापौर मनीषा कोठे इन्होंने कहा कि बीते 3 माह से लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार बंद थे और बिजली के बिल बढ़कर आने से जनता परेशान हो चुकी है। जल्द से जल्द बिजली बिल माफ करे, अन्यथा आत्मदहन करने का इशारा भी उप महापौर मनीषा कोठे द्वारा इस समय दिया गया। 3 महीने कोरोना होता, कोरोनाच्या याच्यामध्ये सर्वी जनता ही घरी होती, जनतेला आदेश दिले होते की आपण घरातच राहा, घराच्या बाहेर पडू नका। घरात सर्वी जनता असताना आज एका यांनी 3 महिन्याचं बिल जे पाठवलं, तर त्यांच्याजवळ पैसे कुठून राहणार याचा प्रश्न हा पालकमंत्र्यांना समजायला पाहिजे। पालकमंत्र्यांनी 3 महिन्याचं जे बिल पाठवलं आहे तर त्याचं नक्कीच त्यांनी माफ करायला पाहिजे, जसं बोलले तसं चालायला पाहिजे। त्यांनी म्हटलं होतं का आम्ही बिजली बिल माफ करू, आम्ही 100 युनिटपर्यंत तरी आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही माफ करा, ते काहीही करायला तयार नाही आहे। आज जनतेजवळ पैसा नाही आहे आणि एका यांनी 10-10 हजार 12-12 हजार रुपये बिल जे पाठवलं आहे त्याच्यावरती सगळ्यांना बिल गेलेलं आहे, हे बिल भरतील कुठून? हा म्हणजे खरंच चिंतेचा प्रश्न, आमच्यासाठी महिलांसाठी चिंतेचा प्रश्न आहे। आज आम्ही इथे जेवढ्या महिला आलेल्या आहेत त्यांना चिंतेचा प्रश्न आहे, त्या सर्व महिलांच्या वतीने आज आम्ही इथे आंदोलन करत आहोत। जर त्यांनी हे बिजली बिल जर माफ केलं नाही तर त्यांच्या घरासमोर आत्मदहनाचा इशारा त्यांना आम्ही आज महिलांकडनं मी देते आहे, आणि समोर जर झालं नाही तर समोर त्यांच्या घरासमोर आत्मदहनाचा गीत करू आम्ही। कोविड-19 की 3 माह प्रतिमाह 100 युनिट्स के हिसाब से 3 महीने का 300 युनिट बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर भाजपा की ओर से श्रृंखलाबद्ध मुका आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इस समय ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के निवास स्थान पर कोई भी मौजूद नहीं था। आइए जानते हैं प्रदेश मंत्री अर्चना डेहनकर ने क्या कहा। बढ़ते हुए बिजली के बिल को लेकर आज जो है भाजपा की ओर से नितिन राउत ऊर्जा मंत्री है, इन्हें निवेदन दिया गया है, क्या क्या आपको वहाँ से प्रतिसाद मिला है निवेदन देने के? आज भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व महिला वाढीव बिलाच्या विरोधामध्ये इथे आंदोलन करायला एकत्रित आलेल्या होत्या आणि आज आम्ही माननीय नितिन राऊत जे ऊर्जा मंत्री आहेत त्यांना निवेदन द्यायला त्यांच्या निवासस्थानावर जेव्हा आलो तेव्हा ते आता घरी नव्हते, परंतु आमच्या सर्व महिला मोर्चाच्या पदाधिकारी माजी महापौर आम्ही सगळेजण त्यांच्या निवासस्थानावर निवेदन द्यायला गेलो, ते नसल्यामुळे त्यांच्या पीएच्या हातामध्ये आम्हाला निवेदन द्यावं लागलं। कदाचित महिला या ठिकाणी आंदोलन करणार आहे याची बनक त्यांना पडली की काय, आणि म्हणूनच ते आपल्या निवासस्थानातून या क्षणाला गायब झाले अशी शंका आम्हाला निर्माण होते आहे। भाजपा की ओर से जो है महिलाओं की ओर से ये निवेदन दिया गया है, लेकिन ऊर्जा मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं थे, महिलाओं को डर कर वो यहाँ से निकल गए, ऐसा भी भाजपा की महिलाओं का कहना है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBC News नागपुर।